अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आई हूँ फेयर एंड लवली, और या फिर आप कहें ग्लो एंड लवली मॉइस्चराइजिंग लोशन का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोशन के फैंस हैं और क्रीम्स नहीं लगाना चाहते तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे पास फेयरनेस लोशंस की वैराइटीज में बहुत कम है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये काफ़ी मॉइस्चराइजिंग है और आपकी स्किन को बिल्कुल भी टाइट नहीं करता। पैकेजिंग इसकी बहुत ही क्यूट सी है, प्लास्टिक बॉटल है, और आई थिंक मैं ये मैंने 250 रुपीज़ का लिया है nahid.pk से। और बिल्कुल इसकी रनी सी कंसिस्टेंसी है इस तरह से, रनी नहीं है, थोड़ा सा थिक है। और जो फ्रेग्रेंस है इसकी बिल्कुल वो फेयर एंड लवली वाली है, और बिल्कुल ही लाइट वेट है, फ़ौरन एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ही अरसे में आपको जो है अपने फेस पे ग्लो फील होगा। तो अगर आप फेयर एंड लवली यूज़ करते हैं और किसी फेयरनेस लोशन की तलाश में हैं तो ये आपके लिए एक सोल्यूशन है। लेकिन अगर आपने इससे पहले फेयरनेस क्रीम्स वगैरह यूज़ नहीं की तो आप फिर इसको भी यूज़ मत करें और इसको अवॉइड ही करें, क्योंकि ये वही चीज़ है, बस सिर्फ लोशन फॉर्म में। मीन्स के जो रिज़ल्ट आप क्रीम से, ये होता है कि आपकी स्किन थोड़ी थोड़ी टाइट हो जाती है, लेकिन इससे ये है कि उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है और आपकी स्किन में थोड़ी सी फेयरनेस आ जाती है कुछ दिनों के यूज़ के बाद। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अंतिम नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।